नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु बीके में आपका स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। घंटी का बटन अगर दबा देते हैं तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा और आप हम जो वर्क करते हैं उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी मिलेगा। चलिए इस प्रिंटर के बारे में आपको बताते हैं। ये HP का 1005 मॉडल है। इस प्रिंटर में बीमारी है, कार्टेज नहीं ले रहा है दोस्तों। इसमें लिख रहा है नो प्रिंट कार्टेज। इस प्रॉब्लम का हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, और पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा बीमारी कभी भी अगर आता है तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए। और ऐसा ऐसा हम वीडियो आपको रोज़ का रोज़ डालते रहते हैं। आप लोग अगर पूरा वीडियो देखिएगा तो रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें दिखाते हैं हम कार्टेज डाल के इसके अंदर में कैसा समस्या आ रहा है। प्रिंटर हम चालू कर लिए और आपको दिखाते हैं कि इसमें समस्या क्या आ रहा है। इसमें नो प्रिंट कार्टेज लिख रहा है इसके अंदर में। इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करके और आपको दिखाएंगे कि ये सॉल्व कैसे होगा और आप भी कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम के आप भी सॉल्व करके आप अपना प्रिंटर ओके कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्टेज को बाहर कर देंगे। कार्टेज बाहर करने के बाद हम लोग सूती का कपड़ा लेंगे और इस कपड़ा से बाया साइड में जो पत्ती होता है और स्प्रिंग होता है उसको हम लोग पहले सफा करेंगे। सफा करने के बाद दोनों साइड में बढ़िया से सफा कर देंगे, क्योंकि हाथ इसके अंदर में पैसना चाहिए और कपड़ा के साथ ही इसको सफाई करना है। सफा कर दीजिए और इस साइड में भी लॉक रहता है, इसको सफा कर दीजिए बढ़िया से सफा करके। सफा करने के बाद सबसे पहले हम लोग प्रिंटर ऑन करके देखेंगे। एक बार इसको नीचे करेंगे, प्रिंटर अपना ऑन हो गया। ऑन होने के बाद क्या करना है दोस्तों, कार्टेज को उठाएंगे और कार्टेज को भी यहाँ से हम लोग सफा करेंगे। ये देख लीजिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तीनों सफा करना होगा। कहे कि तीनों गंदा होने की वजह से कार्टेज इसके अंदर नहीं लेता है, इसकी वजह से परेशानी झेलना पड़ता है। इसको बढ़िया से हम लोग सफाई कर देंगे। देखिए सफा कर दिए और इसके अंदर में हम लगाते हैं टोनर। टोनर लगाने के बाद में यहाँ से हम लोग चालू कर दिए और इसमें देखते हैं एक पेज दीदी चाहिए। और दिखाते हैं प्रिंटर अपना रेडी हो गया है। देख लीजिए रेडी करके हम आपको अब प्रिंट आउट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रिंट आउट होगा और कितना बढ़िया प्रिंट आउट करेगा। यहाँ से हम लोग पेपर डाल देंगे पहले, एक पेपर डालने के बाद और यहाँ से हम लोग प्रिंट मार के देखेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया प्रिंट आ गया इसमें और अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इस टाइप का वीडियो देखने के लिए हमारे टेक गुरु बीके के सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि फर्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।